गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून स्तुति। हेलो हेलो एवरीवन। गाइस लेट्स स्टार्ट टुडेज डाउट सेशन। गुड आफ्टरनून हरिओम। गुड आफ्टरनून मयंका। सो हम ओके। सो गाइस डाउट सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। स्ट्रेट लाइन की शीट दी गई थी आपको, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 32, ये आपका होमवर्क है। ये आपको बोला गया था क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 32, राइट? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 32, ये आपका होमवर्क था, करेक्ट? ओके, सो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चंस। ओके, सो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चंस। ओके गाइस, एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक कोई डाउट आपको? ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट आ रहा है, कैन यू रेज योर हैंड? ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में भी डाउट है। गाइस जो भी क्वेश्चन में डाउट है, यू कैन रेज योर हैंड और फिर हम वो क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। ओके, ठीक है। उन्नति, कैन यू रेज योर हैंड? ओके, अनम्यूट कर लो उन्नति। ओके, यस क्वेश्चन सर। नंबर 3 चेक करो गाइस, मैं भी रीड कर लेता हूँ क्वेश्चन। ओके, आपको एक लाइन का इक्वेशन गिवन है, एम और एक्स वन फिक्स बोला है, डिफरेंट वैल्यूज, डिफरेंट लाइंस आर ड्रॉन फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वाई वन। ओके, देखो क्वेश्चन में यहाँ पे लिख देता हूँ गाइस, आप चेक करना सभी। क्वेश्चन नंबर 3 हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ओके, सो आपको गिवन है एक लाइन y माइनस वाई वन, जस्ट अ सेकंड। ओके, हाँ गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 हम डिस्कस कर रहे हैं, आपको एक लाइन गिवन है, लाइन है आपका y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस एक्स वन, ये आपको गिवन है। अब गाइस इसमें आपको ये बोला गया है कि m और वाई वन तो फिक्स्ड है, मतलब स्लोप ऑफ लाइन फिक्स्ड है, और सॉरी नॉट वाई वन, एक्स वन, स्लोप ऑफ लाइन फिक्स्ड है, और वो लाइन कौन से पॉइंट्स, जो पॉइंट से पास हो रहा है, बेसिकली अगर आप चेक करोगे पॉइंट स्लोप फॉर्म में लाइन का इक्वेशन गिवन है, तो स्लोप तो लाइन का फिक्स्ड है और जो एक्स कोऑर्डिनेट है पॉइंट का वो भी फिक्स्ड है, मतलब एक्स वन फिक्स्ड है आपका। अब वाई वन आपका वेरी हो रहा है, सो फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वाई वन आपको बताना है कि लाइन क्या बनेगा, विल इट फॉर्म अ पेयर ऑफ लाइक विल इट फॉर्म अ सेट ऑफ पैरेलल लाइंस, या और जो भी ऑप्शन है आपके वो हमें फाइंड करना है। ओके, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो मान लो अभी के लिए नहीं, क्या हम कोऑर्डिनेट सिस्टम रफली ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया अभी के लिए। एक्स वन को नहीं, क्या ये पॉइंट आप एज्यूम कर लो कि ये एक पॉइंट है एक्स वन, ये पॉइंट है एक्स वन कॉमा जीरो। तो अगर मैं एक ये लाइन ड्रॉ करूं विच इज पैरेलल टू वाई वन एंड पासिंग थ्रू एक्स वन, तो बेसिकली लाइन का इक्वेशन क्या आ जाएगा, ये लाइन का इक्वेशन आएगा एक्स इक्वल टू एक्स वन। तो ये वो लाइन है जिसपे जो मतलब इस लाइन पे जो भी पॉइंट आ रहा है उसका एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स्ड है, वो कितना आ रहा है एक्स वन, वाई कोऑर्डिनेट आपका कुछ भी हो सकता है। ओके, वाई कोऑर्डिनेट आपका कुछ भी वेरी कर सकता है। सो स्लोप आपको गिवन है, एज्यूम कर लेते हैं अभी के लिए कुछ एक्यूट एंगल है, मतलब स्लोप कुछ पॉजिटिव आ रहा है ऐसा एज्यूम कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे गाइज, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, मान लो अभी के लिए वाई वन एज्यूम करो, ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट हो गया आपका एक्स वन वाई वन, और फिर निकल स्लोप ये पॉजिटिव है तो कुछ एक ऐसी लाइन आ जाएगी आपकी। ओके, पासिंग थ्रू एक्स वन वाई वन, मान लो अभी के लिए वाई वन की वैल्यू मतलब कुछ भी आप ले सकते हो, वो इधर है, तो एक लाइन आ जाएगी। अब एक्स वन तो फिक्स्ड है गाइस, तो जो भी मैं पॉइंट लूंगा वो ये लाइन पे लेने वाला हूँ मैं, ये लाइन पे अगर आप चेक करोगे वाई तो वेरी कर रहा है, तो मान लो मैंने वाई वन की वैल्यू चेंज कर दी, मान लो पहले वाई वन लिया था वन, तो एक्स वन कॉमा वन से ये लाइन पास हो रहा है जिसका स्लोप एम है। अब मान लो मैंने वाई वन की वैल्यू ले ली टू, तो ये आपका एक और लाइन आ गया जिसका स्लोप m है, और ये जो ये एक्स वन कॉमा टू से पास कर रहा है। मान लो मैंने वाई वन की वैल्यू ले ली थ्री, तो आपका एक और लाइन आ गया
जो एक्स वन कॉमा थ्री से पास कर रहा है इसका स्लोप है। तो अगर आप ऐसे चेक करोगे, ऐसे डिफरेंट लाइन्स आपको मिलते जाएंगे, तो क्या पता चल जाएगा, ये जो डिफरेंट लाइन्स हमें मिल रहा है, दीज विल बी ऑल पैरेलल लाइन्स। उन्नति, ये क्लियर हुआ? यस सर। ओके गाइस, सभी को क्लियर है ये क्वेश्चन? बाकी लोग भी डाउट पूछ रहे थे। तो जब आप स्लोप फिक्स कर दोगे और आप पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स कर दोगे, जब मैं वाई कोऑर्डिनेट वेरी करूंगा, तो बेसिकली आई विल गेट अ सेट ऑफ पैरेलल लाइंस। थर्ड क्वेश्चन क्लियर हुआ गाइस सभी को? कूल, एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर थ्री? गाइज, एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर फाइव? ओके गुड गाइज, एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर टेन? समीक्षा, कोई डाउट है? गाइज, एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर टेन? ओके, सेवेंथ क्वेश्चन में डाउट आ रहा है। यश, कैन यू रेज योर हैंड? उन्नति को भी सेवेंथ क्वेश्चन में डाउट है। ओके यश, अनम्यूट कर लो। यस सर। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर सेवेंथ चेक करो सभी, मैं वो क्वेश्चन लिख लेता हूँ। तो दो इक्वेशन गिवन है, बोला है कि सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, वो इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। ओके ठीक है, तो यश चलो ठीक है, हम डिस्कस कर लेते हैं आपसे। तो देखो, एक लाइन का इक्वेशन तो क्या गिवन है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, राइट? Yes. और दूसरे लाइन का इक्वेशन गिवन है, x cos alpha plus y sin alpha equal to p. Okay. आवाज क्लियर है यश? Yes, sir. और स्क्रीन क्लियर है? हाँ. ठीक है, ओके. अब देखो, दो लाइन मतलब दो इक्वेशन दे रखे और वो सेम ही लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको ये कंसेप्ट पता है क्या, उनके कोएफिशिएंट का रेशियो सेम होगा? नहीं पता है तो अब से ध्यान, देखो नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, अब से ध्यान रखना। मैं एक कंसेप्ट बता देता हूँ गाइस, ये ध्यान रखना सभी। मान लो एक लाइन का इक्वेशन, नेक्स्ट पेज पे वो कंसेप्ट लिख रहा हूँ अभी के लिए। मान लो एक लाइन का इक्वेशन कुछ ऐसा दे रखा है, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो। मान लो ये एक लाइन है, और मतलब ये लाइन का इक्वेशन है, और ये भी एक लाइन का इक्वेशन है, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, ये भी एक लाइन का इक्वेशन। लेकिन ये बोला है कि ये जो दोनों इक्वेशन है ये सेम ही लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस केस में क्या होगा, ये दोनों जो बेसिकली लाइन के इक्वेशंस है, इसके जो ये कोएफिशिएंट्स है उसका रेशियो सेम होगा। उसका मतलब क्या हुआ कि आप ये बोल सकते हो, ए वन बाय ए टू इज इक्वल टू बी वन बाय बी टू इज इक्वल टू सी वन बाय सी टू। दे विल बी कोइंसिडेंट। क्या हुआ, ये कोइंसिडेंट लाइन होगा ना? हाँ बेसिकली कोई, हाँ मतलब ऐसा बोल सकते हो, क्योंकि सेम ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब कोइंसिडेंट लाइन है ये, अगर आप तो मतलब ऐसा सोच रहे हो। समझ में आ रहा है ना? जैसे कि देखो, मान लो पहला वाला लाइन मतलब पहला वाला इक्वेशन मान लो ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरा वाला इक्वेशन मान लो ये मतलब यही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, थोड़ा अलग तरीके से बता रहा हूँ। तो बेसिकली आप क्या बोल सकते, ये तो कोइंसिडेंट लाइन्स हो गए। और कोइंसिडेंट लाइंस का कांसेप्ट क्या होता है, a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2। हाँ, ये क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो ये कांसेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। क्यों अप्लाई कर रहे हैं कांसेप्ट, वो क्लियर हो गया आपको? हाँ सर। ओके ठीक है, अब कांसेप्ट अप्लाई करते हैं। अब ध्यान रखना, एक जो गलती करते थे लोग, एक्स वाई के कोएफिशिएंट डायरेक्ट उठा लेते हैं यहाँ से, ऐसा मत करो। सब मतलब यहाँ पे प्रॉपरली ऑब्जर्व करो। देखो यहाँ पे एक्स और वाई के कोएफिशिएंट एक ही साइड है, यहाँ पे एक्स और वाई के कोएफिशिएंट अलग अलग साइड है, तो क्या करो, दोनों को एक साइड या दोनों को सेपरेट साइड जैसे भी रखना है, लेकिन मतलब सिमिलैरिटी होनी चाहिए दोनों में, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, हर एक टर्म राइट साइड ले जाके लिख देता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, या हर एक टर्म लेफ्ट साइड लेके आ जा रहा हूँ। मान लो देखो कितना आ जाएगा, पहले वाई का टर्म लिख रहा हूँ तो वाई, फिर एक्स का टर्म लिख रहा हूँ माइनस एम एक्स, और बाद में लिख देता हूँ इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सिमिलरली यहाँ पे पहले वाई का टर्म लिखता हूँ तो वाई का कोएफिशिएंट क्या है, साइन अल्फा, तो साइन अल्फा इंटू वाई प्लस एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, कॉस अल्फा, cos alpha into x equal to p। ध्यान में आ रहा कैसे लिखा ये? Yes sir। अब लाइन की इक्वेशन एक बार लिख दी, अब हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट का रेशियो सेम कर देंगे। सो इसको मतलब ये लाइन को मैं वन फर्स्ट लाइन मान रहा हूँ, ये लाइन को मैं सेकंड लाइन मान रहा हूँ। तो क्या आएगा, a1 by a2, तो देखो क्या आ जाएगा, sin alpha by 1। नहीं नहीं रुको रुको, y का कोएफिशिएंट क्या है, sin alpha है ना? हाँ ये अच्छा, sin alpha, मैंने tan alpha। हाँ हम कोएफिशिएंट का रेशियो सेम कर रहे हैं, ध्यान में आ रहा है ये? हाँ, मैंने गलती से वो tan अल्फा पढ़ा।
कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो क्लियर हो रहा है। हाँ हाँ ठीक है। तो साइन अल्फा बाय वन इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलो? कॉस अल्फा बाय माइनस एम। वेरी गुड, इक्वल टू पी बाय वन बाय वन। नहीं 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 कांस्टेंट टर्म मैंने दोनों के राइट साइड लिखे हैं, तो वो पी बाय सी। ओके अच्छा ठीक है, कांस्टेंट टर्म भी लिखते हैं ना हम। अच्छा हाँ सॉरी हाँ ठीक है, हाँ दोनों कांस्टेंट टर्म लेफ्ट साइड पे लेके आ सकते हैं, तो माइनस पी बाय माइनस सी आ जाएगा, और बात एक ही होगी, पी बाय सी हो जाएगा। ठीक है, यस सर। ओके। अब देखो ये तो आ गया, अब आगे क्या करना है, तो उसके लिए ऑप्शन देखो। ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा कुछ वेरिएबल्स के बीच में उन्होंने रिलेशनशिप फाइंड किया है। कौन कौन से तीन वेरिएबल्स के इसमें रिलेशनशिप फाइंड किया? पी सी सी पी एंड नहीं नहीं मतलब बेसिक, नहीं नहीं एक मिनट रुको, वेरिएबल क्या, एक तो पी, एक तो सी, एक तो एम, हाँ ये तीन वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप फाइंड किया है। यस। अल्फा आ रहा है क्या आंसर में? एक सेकेंड नहीं नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि इन्होंने अल्फा को एलिमिनेट किया होगा। यस ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अल्फा को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। अब देखो हमारे पास साइन अल्फा की वैल्यू आ सकती है, कॉस अल्फा की वैल्यू आ सकती है। अब आपको ये पता होगा अगर अल्फा आपको एलिमिनेट करना है तो हम फंडामेंटल आइडेंटिटी का यूज करेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू वन, वहां से वो एलिमिनेट हो जाएगा। हाँ करेक्ट। ठीक है ओके, तो पहले साइन अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दिस वैल्यू इक्वल टू दिस वैल्यू कर रहा हूँ। ओके, यहाँ से साइन अल्फा कितना आ जाएगा, पी बाय सी। बेसिकली पी बाय सी आ जाएगा। हाँ ठीक है, बाद में ये दोनों वैल्यूज को इक्वल किया तो वहां से कॉस अल्फा कितना आ जाएगा, माइनस एम पी बाय सी। ठीक है माइनस या एस, हाँ ठीक ये आ गया। ओके, अब जैसे मैंने बोला हमें अल्फा को एलिमिनेट करना है तो हम फंडामेंटल आइडेंटिटी का यूज, तो बेसिकली जो फंडामेंटल आइडेंटिटी है वो हम यूज करेंगे यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू वन, तो पुट कर दो सब वैल्यूज यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एम स्क्वायर, मतलब पी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर एक्चुअली, हाँ बाय सी स्क्वायर इक्वल टू वन, ये आ जाएगा। हाँ। अब मुझे बताओ, देखो दोनों में से हम पी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। हाँ करेक्ट, तो पी स्क्वायर बाय या सी स्क्वायर का उधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं सबसे पहले, तो पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक है सॉरी, चलो ठीक है, पी स्क्वायर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, वन प्लस एम स्क्वायर, और सी स्क्वायर भी मान लो कॉमन ले लिया डिनोमिनेटर में, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते पी स्क्वायर। हाँ ठीक है, तो बेसिकली सी स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है पी स्क्वायर इंटू वन प्लस एम स्क्वायर। अब यहाँ से देखो कौन सा ऑप्शन बनेगा, जब आप रूट ले लोगे तो आपका एक ऑप्शन बन जाएगा बी वाला, कौन सा सेकंड ऑप्शन आ रहा है। यस ओके क्लियर हुआ कंसेप्ट? यस सर। तो लाइन बेसिकली दो इक्वेशन है सेम ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ सर, वो कोएफिशिएंट का रेशियो, आप वो स्ट्रेट लाइन लिखा था इसलिए जैसे वो क्लिक नहीं हो, कोइंसिडेंट लिखा था तो आज नहीं, नहीं वो कोइंसिडेंट नहीं, वो क्यों लिख के देंगे आपको, मान लो उनको लिख के नहीं देना है तो देख, मतलब वो लिख के भी दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा भी बोला मान लो कि ये दो इक्वेशन है लेकिन दोनों इक्वेशन सेम ही स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर, तो उसका मतलब यही हो गया ना कि वो लाइन, अगर दो लाइन मानोगे मतलब दोनों लाइन कैसे हो गए, कोइंसिडेंट हो गए, वो सेम ही लाइन हो गया। हाँ मतलब सेम ही लाइन हो गया। Okay, अभी क्लियर हुआ? यस सर। ओके ठीक है, सो गाइस दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7, आई होप सो सभी को क्लियर हो गया होगा। उन्नति क्लियर है ये क्वेश्चन? ओके गुड गाइस, एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 10? वेरी गुड गाइज, एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 15? यश कोई क्वेश्चन में डाउट है आपको? ओके अनम्यूट कर लो यश। गाइज क्वेश्चन नंबर, हाँ एक मिनट गाइज, क्वेश्चन नंबर 5 आप चेक करो, मैं भी चेक कर लेता हूँ, द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन। ओके ठीक है, क्या डाउट है इसमें यश? सर मेरे को आंसर तो आया बट एक्चुअली गूगल इट एंड देन आई फाउंड इट, मेरे को उसका वर्किंग समझ में नहीं आया। चलेगा ठीक है, देखो अपन सॉल्व कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लेते हैं गाइस। सो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, आपको एक लाइन गिवन है x by a minus y by b equal to 1, ये आपको एक लाइन गिवन है, तो ठीक है आपको बोला है जो हमारा लाइन है वो गिवन लाइन को परपेंडिकुलर है। हाँ तो उसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, x by b प्लस वाई बाय ए इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट, ये बताओ, ये ध्यान में आया क्या सबसे पहले?
यस सर। ओके सो ये हमारे परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन आ गया। अब लैम्डा फाइंड करने के लिए एक और कुछ कंडीशन की जरूरत है। उन्होंने क्या बोला, हमारा ये जो लाइन है, जो हम लाइन का इक्वेशन फाइंड करना चाह रहे हैं, ये जो हमारा लाइन है वो कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, बेसिकली वो उस पॉइंट से पास कर रहा है जिस मतलब जिस पॉइंट से ये लाइन पास कर रहा हो, सॉरी एक्स इंटरसेप्ट बोला, सॉरी सॉरी मैं वर्ड एक्स इज इक्वल टू 0 है, एक्स इज इक्वल टू ए है, सॉरी। हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ मैं लाइन, एक मिनट, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट एट विच द गिवन लाइन कट्स द एक्स एक्सिस। हाँ हाँ सॉरी मैं वो स्टेटमेंट किए हो गया था। हाँ तो आपको क्या बोला है कि ये जो गिवन लाइन है आपका, जिसको मैं वापस रेड कलर में लिख रहा हूँ, ये हमारा जो गिवन लाइन है ये एक्स एक्सिस को बेसिकली जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उस पॉइंट से ये वाला लाइन पास हो रहा है। हाँ ध्यान में आ रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली लाइन एक्स एक्सिस को कौन से पॉइंट पे कट करेगा, तो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है मतलब उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यस ये क्लियर है, यस ठीक है ना, पासिंग। हाँ ओके, तो y को मैं 0 पुट कर देता हूँ, तो अगर मैं गिवन इक्वेशन में मतलब ये जो गिवन इक्वेशन है रेड वाला, उसमें अगर मैं y को 0 रखूँ तो x कितना आ जाएगा, y को x a x x ही रहेगा। y को अगर आपने 0 रख दिया तो x हाँ by a equal to 1 हो जाएगा, तो x तो a आ गया ना। हाँ तो बेसिकली वो गिवन पॉइंट क्या हो गया, a कॉमा 0, a कॉमा 0। हाँ ठीक है। अब क्वेश्चन फिर से देखो, ये जो गिवन लाइन है उसके परपेंडिकुलर है हमारा लाइन, तो उससे इक्वेशन तो आ गया लेकिन एक कांस्टेंट बच रहा है लैम्डा। अब उन्होंने क्या बोला, गिवन लाइन जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है मतलब ये पॉइंट, उस पॉइंट से हमारा लाइन भी पास कर रहा है, ठीक है। अगर ऐसा है तो ये पॉइंट को अगर मैं इसमें पुट करूं सेटिस्फाई करना चाहिए। हाँ सर। ओके तो पुट कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, ए बाय बी प्लस 0 इक्वल टू लैम्डा। तो यहाँ से आपकी लैम्डा की वैल्यू आ गई। यस सर, ये वैल्यू आप रख दो आपके इक्वेशन में, तो फिर बेसिकली आपका इक्वेशन क्या आ गया, एक्स बाय बी प्लस वाई बाय ए इक्वल टू ए बाय बी। अच्छा ओके सर। सर मैंने जो ऑनलाइन सॉल्यूशन देखा तो बहुत बड़ा था, तो इस वजह से मैं कंफ्यूज हो गया था। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वो तो ठीक है। आपको ये वाला सॉल्यूशन क्लियर हुआ ना? हाँ सर। ओके ठीक है, कूल गाइस, आई होप सो क्वेश्चन नंबर 5 सभी को क्लियर हो चुका होगा। एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 10? Any doubt up to question number 15? Guys, any doubt up to question number 15? Okay, Siddhesh, can you raise your hand? Unmute kar lo, Siddhesh. हाँ सर, वो लास्ट अभी वो लैम्डा है। हाँ बता देता हूँ, बता देखो क्या बोला है जो, हाँ बता देता हूँ, हमें जिस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है वो लाइन कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, ए कॉमा 0 से पास हो रहा है। ओके ये वाला कंसेप्ट, ये मतलब ये वाला क्लियर है स्टेप? ओके म्यूट कर लिया क्या आपने, अनम्यूट कर लो सिद्धेश। हाँ सर वो क्लियर है। हाँ ठीक है, तो देखो ये अगर कोई मतलब अगर ये पॉइंट, अगर ये पॉइंट गिवन लाइन पे लाया कर रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट्स इसमें पुट करे तो सेटिस्फाई करना चाहिए, ये कंसेप्ट पता है? आपकी आवाज नहीं आ रही है सिद्धेश। हेलो, ठीक है आप म्यूट कर लो, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ और फिर चैट में आप लिख दो समझ में आया नहीं आया। देखो क्या है सिद्धेश, हमारा मतलब हमें जिस लाइन का इक्वेशन सर पता है वो पता है। हेलो ओके गाइस, स्क्रीन क्लियर है? ओके एम आई ऑडिबल, आवाज आ रही है गाइस? अच्छा बाकी लोग म्यूट कर लो।
ओके ठीक है. सो गाइस दिस क्वेश्चन नंबर 15 तक चेक करो, आपको कुछ डाउट है तो. एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 15? आवाज अभी क्लियर है? चेक करो गाइस. ओके ठीक है. क्वेश्चन नंबर 11th में डाउट आ रहा है. यश कैन यू रेज योर हैंड? अनम्यूट कर लो यश. यस सर. ओके गाइस क्वेश्चन नंबर 11th आप चेक करो. ओके जस्ट अ सेकंड, मैं भी क्वेश्चन नंबर 11 चेक कर लेता हूँ. The equation of the line which cuts off intercepts 3 units, okay, and minus 2 on y-x, okay, ठीक है. So इसमें दिक्कत क्या होगी? आपको क्या बोला है? देखो, x-axis पे basically double intercept form use करेंगे, ये ध्यान में आ रहा है यश? हाँ. क्योंकि दो intercept आपको given है, okay. हाँ, x by a plus x y by b. Equation क्या होता है? X by a plus y by b is equal to 1. Correct, very good. X की value, sorry, a की value आपको 3 given है. हाँ. और बी की वैल्यू आपको माइनस टू गिवन है. अच्छा डायरेक्ट पुट. अच्छा हाँ, तो पुट कर दो तो इक्वेशन क्या आ जाएगा? एक्स बाय थ्री प्लस वाई बाय माइनस टू इक्वल टू वन, या बोलो एक्स बाय थ्री माइनस वाई बाय टू इक्वल टू वन. ओके सर, थैंक यू. है ना? ओके कूल. तो चेक कर लो, आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन आंसर आना चाहिए, राइट? ओके ठीक है. गाइस क्वेश्चन नंबर 15 तक चेक करो, आपको कुछ डाउट आ रहा है तो. क्वेश्चन नंबर 12th में डाउट है. ओके आर्य, आर्य कैन यू रेज योर हैंड? अनम्यूट कर लो. ओके क्वेश्चन नंबर 12th चेक करो गाइस. द इक्वेशन थ्री, एक पॉइंट गिवन है आपको और परपेंडिकुलर टू द लाइन. ओके 3, -4. ओके ठीक है. ओके डिस्कस कर लेते गाइस क्वेश्चन नंबर 12. पहले मैं क्वेश्चन यहां पे लिख देता हूं. तो क्या गिवन है? आपका लाइन एक पॉइंट से पास कर रहा है, वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट से 3, -4. और आपका लाइन एक मतलब एक लाइन का इक्वेशन गिवन है, उस लाइन को परपेंडिकुलर, तो 3x + 4y = 5, ये गिवन लाइन का इक्वेशन है. हमारा लाइन ये लाइन को परपेंडिकुलर है, सब ओके. ओके ओके अरे यस कैसे ट्राई किया क्वेश्चन सर? मैंने पहले इक्वेशंस के लिए और देता हूं, आप बोलो समझ में आ जाएगा. आप क्या करो, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, चैट में लिख सकते हो कि समझ में आ रहा नहीं आ रहा. सो देखो, हमारा जो लाइन है वो ये लाइन को परपेंडिकुलर है, तो जो भी लाइन ये लाइन को परपेंडिकुलर होता है उसका इक्वेशन बेसिकली हम ऐसा लिख सकते हैं कि चेक करो, 4x - 3y = some constant. ये लिख सकते हैं क्या, बताओ? चैट में रिप्लाई कर दो. आर्य ओके ठीक है. अब हमें क्या बोला है, ये जो हमारा लाइन है वो कौन से पॉइंट से पास कर रहा है? 3, -4 से पास कर रहा है. अगर ऐसा है तो जब हम ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन लाइन में रखेंगे तो सेटिस्फाई करना चाहिए. तो पॉइंट कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करा तो गिवन इक्वेशन में. सो 4 × 3 - 3 × -4 = λ. तो बेसिकली 12 + 12 = λ. तो यहाँ से लैमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 24 आ जाएगी. यहाँ तक क्लियर हुआ क्या, बताओ? ओके ठीक है. अच्छा ओके ओके ठीक है. अरे ये तो इस तरीके से सॉल्व करने की जरूरत नहीं. एक्चुअली उन्होंने क्या डिफरेंट फॉर्म में आंसर दिया, वो फॉर्म में आप यहाँ से भी वैसे लेके आ सकते हो. हाँ नहीं तो अभी मैं ऑप्शंस अगर आप चेक करोगे. ठीक है चलो ठीक है, बता देता हूँ. वैसे तो यहाँ से अगर आप लाइन का इक्वेशन लिखने जाओगे तो लैम्डा की वैल्यू 24 आ गई, तो लाइन का इक्वेशन क्या आ जाएगा? 4x - 3y = 24. ये आ जाएगा. ओके ये आपका लाइन का इक्वेशन आ गया. अब जब आप ऑप्शंस चेक करोगे तो आप देखो, फर्स्ट ऑप्शन में तो 4x मतलब ये इस टाइप में नहीं दिया है, माइनस की जगह प्लस दिया है. सेकंड ऑप्शन में भी ऐसा नहीं दिया है, थर्ड ऑप्शन में भी ये नहीं है. तो ऑब्वियसली बात है जो फोर्थ ऑप्शन है वो आपका आंसर आ जाएगा. और अगर आप डायरेक्ट फोर्थ ऑप्शन के फॉर्म में आंसर लाना चाहते हो तो देखो, फोर्थ ऑप्शन अगर आप प्रॉपरली चेक करोगे
उन्होंने पॉइंट स्लोप फॉर्म में लिखा है फोर्थ ऑप्शन, पॉइंट स्लोप फॉर्म में। तो उस तरीके से भी मैं बता देता हूँ, हमारा लाइन पॉइंट थ्री कॉमा माइनस फोर से पास कर रहा है, ओके। हमारा लाइन ये लाइन को परपेंडिकुलर है, थ्री एक्स प्लस फोर वाई इक्वल टू फाइव। अब इस लाइन का अगर आप स्लोप चेक करोगे, इस लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा, माइनस थ्री बाय फोर। अगर ये लाइन का स्लोप माइनस थ्री बाय फोर है, सो हमारा जो लाइन होगा उसका स्लोप, अभी के लिए मैं एम डैश बोल देता हूँ, वो स्लोप कितना आ जाएगा, फोर बाय थ्री आ जाएगा। तो हमारे लाइन का हमें स्लोप भी पता है और हमारा लाइन कौन से पॉइंट से पास हो रहा है वो भी हमें पता है। पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करो तो लाइन का इक्वेशन क्या आ जाएगा, वाई माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम टाइम्स, या मतलब यहाँ पे वो एम डैश है, एक्स माइनस एक्स वन, ये आपका आंसर आ गया, जो लास्ट ऑप्शन आपका आंसर है। वैसे इसको सिंप्लीफाई भी करोगे तो आप देखोगे ये ऊपर वाला आंसर आपका बन जाएगा। देखो इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे, थ्री से इधर आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, तो थ्री से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो थ्री वाई प्लस ट्वेल्व इक्वल टू फोर से इधर मल्टीप्लाई कर दो, फोर एक्स माइनस ट्वेल्व। अब यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे इसे, सब टर्म्स मतलब बेसिकली वेरिएबल टर्म्स को इधर लेके आ रहा हूँ, तो फोर एक्स ऑलरेडी है इधर, तो माइनस थ्री वाई हो जाएगा, और माइनस ट्वेल्व को उस साइड लेके जा रहा हूँ, ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व ट्वेंटी फोर हो जाएगा। तो आप देखोगे हमारा जो इक्वेशन फॉर्म हो वो इक्वेशन फॉर्म हो रहा है। आर्य क्लियर है क्या, बता दो, कोई स्टेप में डाउट आ रहा है पूछ लो आप, दो मेथड से मैंने आपको बता दिया। गाइज आपको कोई डाउट है ये क्वेश्चन में तो पूछ लीजिएगा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। ओके ठीक है गाइज, एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 15? एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 20? ओके क्वेश्चन नंबर 18 में डाउट आ रहा है, उन्नति कैन यू रेज योर हैंड, अनम्यूट कर लो। यस सर। ओके गाइस क्वेश्चन नंबर 18 चेक करो सभी। सो 18 क्वेश्चन में फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी द इंटरसेप्ट कट ऑफ ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस बाय द लाइन आर इक्वल इन लेंथ बट अपोजिट इन साइन टू दोस कट ऑफ बाय द लाइंस 2x - 3y + 6 इक्वल टू 0। क्वेश्चन का मीनिंग तो क्लियर हो गया ना उन्नति आपको? यस सर। सर मुझे ये भी पता चला कि वो पैरेलल लाइंस है। अच्छा ठीक है, ओके ओके देख लेते हैं। तो गिवन लाइन का इक्वेशन क्या है, 2x, जस्ट अ सेकंड मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y या इक्वल टू माइनस 6 लिख देता हूँ अभी के लिए, ये गिवन लाइन का इक्वेशन है। अब ठीक, अब मैं स्टेप्स बताऊँ, आपने यूज किया क्या स्टेप सॉल्व करने के लिए? सर कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करके मैंने ऐसे दो रैंडम पॉइंट्स प्लॉट किए और वो अच्छा एक अच्छा ठीक है, आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ किया और दो रैंडम पॉइंट्स ले लिए, उसके बाद में जो कंडीशन दी है उसके हिसाब से दूसरी लाइन प्लॉट की। ओके ठीक है नेक्स्ट, और देखा तो वो दोनों पैरेलल लाइंस थे अभी। चलो ये तो ठीक, ओके ठीक है यहां तक ठीक है, इसके बाद फिर बाद में मैंने स्लोप्स को इक्वल किया उनके, क्योंकि पैरेलल लाइंस है। ओके और फिर मुझे एक इक्वेशन आया कि a इज इक्वल टू माइनस टू बाय थ्री b। ओके बट ऑप्शन में a और d ऑप्शन में मैं कंफ्यूज हूँ। चलेगा ठीक है, ओके देखो हम सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन। उन्होंने क्या, उन्होंने नहीं किया, ये एक लाइन गिवन है और उन्होंने दूसरी लाइन भी दे रखी है, वो लाइन उन्होंने क्या बोली है, ax प्लस बी वाई, अच्छा प्लस 80 दिया है ना? यस सर। ओके सो इक्वल टू में क्या कर देता हूँ, माइनस 8 लिख देता हूँ अभी के लिए। ओके ये उन्होंने दे रखा है। अच्छा अब गाइज यहाँ पे बोला क्या गया है कि ये लाइन के जो इंटरसेप्ट है, ये फर्स्ट लाइन के जो इंटरसेप्ट है, जो भी इंटरसेप्ट आ रहे होंगे अभी के लिए, मान लो इंटरसेप्ट ए और बी आ रहे हैं अभी के लिए, अज्यूम करो इंटरसेप्ट क्या आ रहा है, ए और बी। सो इधर के इंटरसेप्ट लेंथ में, अच्छा मैं स्मॉल स्मॉल भी नहीं यूज करता हूँ नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, मैं कैपिटल ए कैपिटल बी यूज कर लेता हूँ। मान लो x इंटरसेप्ट कैपिटल A है और y इंटरसेप्ट कैपिटल B है, तो यहाँ पे जो इंटरसेप्ट आ रहा है सेम लेंथ इंटरसेप्ट का यहाँ पे, लेकिन साइन अपोजिट है। इसका मतलब अगर यहाँ पे 4 इंटरसेप्ट आ रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 4। अगर यहाँ पे A इंटरसेप्ट आ रहा है यहाँ पे क्या आएगा, माइनस A।
और वाई इंटरसेप्ट अगर बी आ रहा है तो यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, माइनस बी। इतना ध्यान में आया आपको उन्नति? यस सर। ओके, सो हम क्या करते हैं ना, ये लाइन का जो इक्वेशन है, फर्स्ट लाइन का इक्वेशन, वो इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन क्या होता है, x by a plus y by b equal to 1। सो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे 2x minus 3y equal to minus 6 दिया है ना। इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन क्या होता है, x by a plus y by b equal to 1। तो पहले 1 लाने के लिए क्या करता हूँ, minus 6 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली 1 आ जाएगा, minus 6 से डिवाइड करके तो यहाँ पे minus 6 आ जाएगा, यहाँ पे minus 6 आ जाएगा। ये क्लियर हुआ? Yes, sir. Okay. अब होता क्या है, x by a होता है तो यहाँ पे सिर्फ ऊपर x होना चाहिए, तो मैं 2 को क्या इधर लेके आ जाता हूँ। वैसे इस ये मेथड अगर कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो दूसरे मेथड से भी बता सकता हूँ मैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी के लिए ये ट्राई करो समझने का, नहीं तो बोलना दूसरे मेथड से बता दूंगा इजी वाले। प्लस y बाय माइनस 6 बाय माइनस 3 इक्वल टू 1। ये स्टेप क्लियर हुआ क्या बताओ? यस सर, समझा। ओके, तो बेसिकली इक्वेशन क्या आ गया, मतलब बेसिक इक्वेशन आ रहा है यहाँ पे x बाय माइनस 3 प्लस y बाय 2 इक्वल टू 1। ओके, ये आ गया इक्वेशन। तो बेसिक तो आप क्या बोल सकते हो, गिवन लाइन जो है उसका x इंटरसेप्ट कितना है, माइनस 3, y इंटरसेप्ट कितना है, 2। तो यहाँ पे जो है x इंटरसेप्ट कितना आना चाहिए, प्लस 3, और y इंटरसेप्ट कितना आना चाहिए, माइनस 2। So, मैं यहाँ पे जो ये क्लियर हो रहा है पूरा? यस सर। ओके, हम क्या करते हैं यहाँ पे इंटरसेप्ट फिलहाल फाइंड कर लेते हैं। तो इंटरसेप्ट फाइंड करने का एक तरीका ये, अच्छा एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए पता है क्या, वाई को जीरो रखना होता है? यस सर। ठीक है, तो वैसे भी चल ठीक है, वैसे फिर सॉल्व करके बताए तो, नहीं तो देखो इसको भी मतलब सेम तरीके से इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1। तो 1 लाने के लिए माइनस 8 से डिवाइड कर देता हूँ, तो क्या आ जाएगा, देखो ax by minus 8 plus by by minus 8 equal to 1 आ गया। अब इक्वेशन क्या होता है, x by a होता है, तो ये a को इधर लेके आ गया मैं, तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, x by minus 8 by a plus y by minus 8 by b equal to 1। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को भी मैं वो इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके आ गया और सेकेंड इक्वेशन को भी मैं इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके आ गया। ये मेरा मतलब बेसिकली फर्स्ट स्टेप, मतलब जो भी ये फर्स्ट स्टेप्स थे कुछ, ये क्लियर हुआ आपको उन्नति? यस सर। अब बोला क्या है कि जो इंटरसेप्ट है वो साइन में तो मतलब लेंथ में तो इक्वल है, साइन में अपोजिट है। तो जैसे मैंने बोला ना, ये अगर माइनस 3 है तो ये कितना होना चाहिए, 3। उन्नति हेलो। यस सर। हाँ, अगर इधर x इंटरसेप्ट माइनस 3 है तो इधर ये वाले लाइन का x इंटरसेप्ट कितना होना चाहिए, 3। और इधर अगर इंटरसेप्ट आपका है 2 तो इधर वाले लाइन का इंटरसेप्ट क्या होना चाहिए, माइनस टू। करेक्ट। तो बेसिकली माइनस 8 बाय a इक्वल टू 3 इसको हमें सॉल्व करना है, और माइनस 8 बाय b इक्वल टू 2 सॉरी माइनस 2 इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे तो a को उधर लेके जाओ, 3 इधर आ जाएगा, तो a कितना आ जाएगा, माइनस 8 बाय 3, और b को इधर लेके जाओ, माइनस 2 किधर लेगा, तो b आ जाएगा माइनस 8 बाय माइनस 2, मतलब b की वैल्यू आ जाएगी 4। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर हुआ? यस सर। ओके ठीक है, देख लो यही आंसर दिया है क्या। ठीक है, ओके। 17 क्वेश्चन में भी डाउट आ रहा है, 17 क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। यश, कैन यू रेज योर हैंड? अनम्यूट कर लो यश। यस सर। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 17 चेक करो सभी, एक मिनट मैं भी क्वेश्चन देख लेता हूँ। इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू ओरिजिन, ओके जस्ट अ सेकंड। Equation of line through origin and perpendicular to the line joining, okay, a comma 0 minus a comma 0. ठीक है, कैसे try किया यश? Sir, मैंने actually try नहीं किया, मेरे को मतलब मैं question देके confused हो गया। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करते हैं, पहले तो roughly नहीं क्या line को plot करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। चलो ठीक है,
ये x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ किया, ओके okay? ये x एक्सिस ये y एक्सिस, yes. अब हमें क्या बोला है कि हाँ ओके जस्ट अ सेकंड, क्वेश्चन क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग, ओके सबसे पहले परपेंडिकुलर वाला कांसेप्ट यूज कर लेते हैं. अभी के लिए ए को, अभी के लिए क्या करो, ए को पॉजिटिव एज्यूम करो, मतलब अभी के लिए ए को मान लो मैं 3 ले रहा हूँ, तो वो पॉइंट जैसे ए कॉमा जीरो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आ जाएगा. तो माइनस ए कॉमा जीरो उसको अगर मैं ए डैश बोल रहा हूँ तो बेसिकली वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आ जाएगा. यस अच्छा अब देखो इसको जो मतलब इस लाइन सेगमेंट को मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, या ये लाइन बोलो या लाइन सेगमेंट जो भी बोला गया है वहां पे ज्वाइन कर रहा हूँ. अब इस अब जो हमें हमें जो लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है वो ये लाइन को परपेंडिकुलर है, ओके ठीक है. हाँ तो देखो ये लाइन को परपेंडिकुलर, ए ए डैश लाइन को परपेंडिकुलर बहुत सारे लाइंस आ सकते हैं ना. यस ठीक है, देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, बहुत सारे लाइंस परपेंडिकुलर आ सकते हैं. अच्छा वैसे ए ए डैश एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है. हाँ तो जो भी लाइंस एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर होंगे वो वाई एक्सिस को पैरेलल रहने वाले. Yes. जो भी लाइन y एक्सिस को पैरेलल होता है उसका इक्वेशन क्या होता है? उसका इक्वेशन y is equal to 0 होता है. नहीं 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 गलत. क्वेश्चन सुनो अच्छे से. जो भी लाइन y एक्सिस को पैरेलल है उसका इक्वेशन क्या होता है? x is equal to k1. Very good. x equal to some constant है ना? Yes. ये होता है. अब हमारा लाइन कौन से पॉइंट से पास कर रहा है? ओरिजिन से पास कर रहा है. Yes. वैसे तो आप ज्योमेट्रिकली देखते से ही बोल सकते हो सर ओरिजिन से पास करना चाहिए और एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब वाई एक्सिस की बात हो रही है. और वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? एक्स इक्वल टू 0. अच्छा ओके आपका आंसर. यस सर थैंक यू सर. ओके टू डी की बात हो रही है, टू डी ज्योमेट्री की बात हो रही है अद्वैत. ओके so guys any doubt up to question number 20? okay question number 20 mein doubt hai. Soham can you raise your hand? unmute kar lo Soham. haan sir guys, question number 20 check karo sabhi, just a second main bhi read kar leta hu. The equation of line passing through the point of intersection of two lines given or pi comma zero given है, ठीक है. हाँ सुवम बताओ कहाँ तक सॉल्व किया आपने क्वेश्चन, और या मतलब या कुछ समझ में नहीं आया कैसे सॉल्व करना है? सर मैंने जो दो इक्वेशंस दिए हैं ना, हाँ उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके पॉइंट्स निकाले. तो क्या आ गए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स? पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आए x इज एक्स वन आया है, ओके और y बोला क्या गया है, जो हमें लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, मतलब हमारा जो लाइन है बेसिकली वो ये दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करता है. फिलहाल मान लो इन दोनों का दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है ए, सो हमारा जो लाइन है वो पॉइंट ए से पास कर रहा है. चलो ये एक चीज है. दूसरी चीज क्या बोली है, हमारा लाइन एक और पॉइंट से पास कर रहा है और उसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है. उसके कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं आपको? पाई कॉमा जीरो, ये आपको दे रखे. तो यहाँ से क्या ध्यान में आता है गाइस, अगर पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे तो टू पॉइंट फॉर्म से आप लाइन ए बी का इक्वेशन लिख सकते हो. ये क्लियर है सोहम? हाँ सर. ठीक है, तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स आपने फाइंड कर लिए, दोनों लाइन के इक्वेशन गिवन थे, साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1, 1. चलो ठीक है, यहाँ तक तो आ गया आपका. इसके बाद फिर सर वो पाई का करना था ना, तभी कंफ्यूजन हुआ है. अरे उसमें कंफ्यूजन होने लायक कोई बात है ही नहीं. देखो पाई भी क्या मतलब, पाई की भी एक वैल्यू होती है ना, तो बेसिकली पॉइंट भी एक स्पेसिफिक पॉइंट से पास कर रहा है, वो टेंशन मतलब. अच्छा ये तो ध्यान में आ गया, दो पॉइंट हमें पता है. हाँ सर. तो अगर दो पॉइंट हमें पता है तो लाइन का इक्वेशन क्या आता है? वाई माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन बाय एक्स टू माइनस एक्स वन into x minus x1. ये ठीक है? हाँ सर. इस पॉइंट को x1 y1 बोल देता हूँ, पॉइंट b को x2 y2 बोल देता हूँ. अब मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, तो देखो क्या आएगा, y minus 1 is equals to y2 minus y1, मतलब 0 minus 1 upon pi minus 1
इनटू एक्स माइनस वन, ये क्लियर हुआ? हाँ सर। अब सिंपलीफाई करते हैं और फिर देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर सकता है, तो इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेता हूँ क्योंकि उन्होंने भी सिंपलीफाई किया है। तो y माइनस वन इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन पाई माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन। अब पाई माइनस वन से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो कितना आ जाएगा, देखो सबसे पहले पाई से मल्टीप्लाई करूंगा तो पाई वाई माइनस पाई, फिर माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दो माइनस एक्स प्लस वन, और यहाँ पे अगर आप चेक करोगे प्लस वन और प्लस वन कट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ सर। अब क्या होता है सोम, हमें तो मतलब ये वाला आंसर भी फाइनल आंसर बोल सकते हो लेकिन ऑप्शन में ये नहीं दिया हुआ है, तो हमें क्या करना होगा, ऑप्शन में क्या दे रखा है वो हमें ढूंढना होगा, उसी हिसाब से हमें आंसर लिखना होगा। ये तो बहुत लोग क्या करते हैं सर इसके बाद क्या करें समझ में नहीं आ रहा है, वो प्रॉब्लम होता है। अब देखो आप चारों ऑप्शन ऑब्जर्व करो, आपको मतलब तीन ऑप्शन में आपको एक चीज कॉमन दिख रही होगी कि क्या आ रहा है, पाई कॉमन दिया है, पाई कॉमन दिया करेक्ट, ये एक है और दूसरा क्या है एक्स माइनस वाई दिया है तीन ऑप्शन में। हाँ सर। तो मैं क्या ट्राई करूंगा x माइनस वाई अगर आ रहा है पहले वो लेके आऊंगा और फिर बचे हुए में से पाई कॉमन लिखूंगा। ओके ये समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, तो अगर आप अब यहाँ पे आप प्रॉपरली चेक करो, मुझे माइनस एक्स दिख रहा है और यहाँ पे माइनस वाई दिख रहा है, तो माइनस एक्स को इस साइड लेके आ जाऊंगा प्लस एक्स हो जाएगा और ये माइनस वाई वैसे की वैसे, तो एक्स माइनस वाई बन गया। हाँ सर। अब बचे हुए टर्म्स को पहले उस साइड लेके जाता हूँ, तो बचे हुए टर्म्स क्या है, पाई चला गया उधर, ओ सॉरी, तो पाई चला गया उधर, माइनस पाई का पाई हो जाएगा और पाई वाई जाएगा तो माइनस पाई वाई हो जाएगा। अब आपने जैसे बोला सर पाई को कॉमन भी लिया है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू पाई को कॉमन ले लिया, वन माइनस वाई आ गया, बन रहा है क्या? हाँ सर। ऑप्शन सी बनते हुए दिख रहा है मुझे? हाँ सर सी है। हाँ तो बस आ गया आपका आंसर। हाँ सर, वो पाई के वजह से जरा सा कंफ्यूज हो गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कंसेप्ट क्लियर हुआ अभी? हाँ सर। तो कोई ऐसे मतलब बहुत खराब भी वैल्यू दे देना उससे टेंशन नहीं लेना है, सिंपल क्या दो पॉइंट गिवन है, आप अपना कंसेप्ट यूज करो वो आ जाएगा। यस सर, थैंक यू सर। ओके कूल। हाँ मतलब देखो आप जो भी कंसेप्ट यूज करना चाहते हो यूज कर सकते हो, एक लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के अलग तरीके होते हैं, टू पॉइंट फॉर्म भी होता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म भी होता है ना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, और भी और डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, तो जो आपको आसान लगता है या जो एप्लीकेबल है गिवन क्वेश्चन में उसे आपसे आप सॉल्व कर सकते हो। ओके ठीक है गाइस, एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 25 चेक करो आप। Guys, any doubt up to question number 25? Siddesh, can you raise your hand? Unmute कर लो Siddesh। हाँ सर, वो हमने equation का, वो 20th क्वेश्चन में हमने इक्वेशन का कैसे यूज किया वो नहीं समझा। अच्छा वो जो दो इक्वेशन गिवन है उसका यूज कैसे किया बोल रहे हो? हाँ। ओके ठीक है, म्यूट कर दो, देखो बता दो। सो आपको जो इक्वेशन गिवन है लाइन के, पहले मैं वो लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और फिर वो मतलब बस कंसेप्ट बता दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। ओके सो देखो कैसा है कि लाइन का इक्वेशन जो है 3x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। So 3x minus 2y minus 1 equal to 0 और दूसरा है x minus 4y plus 3 equal to 0, x minus 4y plus 3 equal to 0। ओके सिद्धेश अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, ये आपको लाइन के इक्वेशंस गिवन है, मतलब ये जो दो रेड लाइन्स है बेसिकली उसकी ये दो इक्वेशन है, हमें नहीं क्या पॉइंट ए फाइंड करना है। पॉइंट ए बेसिकली क्या है, दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो अभी के लिए आप ऐसा सोच लो, चलो मान लो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है x1 y1, आप ऐसा मानो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है x1 y1, आप ऐसा एज्यूम करो। अब देखो पॉइंट ए सिद्धेश फर्स्ट लाइन पे लाए कर रहा है, तो अगर मैं पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इसमें पुट करूं सेटिस्फाई करेगा, तो क्या आ जाएगा 3x1 minus 2y1 equal to 0। ये क्लियर हुआ क्या बताओ चैट में, यस और नो लिख के बता दो चैट में।
सिद्धेश ओके ठीक है. सिमिलरली देखो पॉइंट ए जो है वो सेकेंड लाइन पे भी लाया कर रहा है, तो उसके अगर उसके कोऑर्डिनेट सेकेंड लाइन के इक्वेशन में पुट करेंगे वहां पे भी सेटिस्फाई करेगा. तो क्या आ जाएगा देखो सेकेंड लाइन के इसमें अगर मैं पुट कर रहा हूँ कोऑर्डिनेट्स तो x1 - 4y1 + 3 = 0. अब अगर आपको पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स चाहिए मतलब बेसिकली आपको x1 y1 चाहिए, तो दो अननोन है x1 y1 और दो इक्वेशन है. दो इक्वेशन है और दो अननोन की वैल्यू कैसे फाइंड करते हो आप? साइमल्टेनियसली दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हो. ये तो पता होगा कंसेप्ट, दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व करना है, ये एक्सप्लेन करना है वो कंसेप्ट. अच्छा ठीक है पता है ना. ओके गुड. तो ये ये दोनों लाइन को सोहम ने साइमल्टेनियसली सॉल्व किया और फिर सॉल्व करने के बाद x1 की वैल्यू आ गई 1 और y1 की भी वैल्यू आ गई 1. तो यहां से हमने बोल दिया पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 1, 1, तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स आ गए. ओके कूल ठीक है गाइज. एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 30? आपको होमवर्क क्वेश्चन नंबर 32 तक दे रखा था गाइस. क्विकली एक बार चेक कर लो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 अप टू क्वेश्चन नंबर 32 कोई अगर आपको डाउट आ रहा है तो. ओके क्वेश्चन नंबर 24 में डाउट है, 28 में डाउट है. ओके शुभम कैन यू रेज योर हैंड. ओके चलो ठीक है चलेगा. यश कैन यू रेज योर हैंड. ओके अनम्यूट कर लो यश. यस सर. ओके क्वेश्चन नंबर 24 डिस्कस करते हैं गाइस. क्वेश्चन नंबर 24 चेक करो सभी. अच्छा ठीक है इस टाइप का कंसेप्ट है. अच्छा आपको ये कंसेप्ट अभी तक बताया नहीं गया 24th में जो गाइस पूछा है ना, ये कंसेप्ट आपको नेक्स्ट क्लास में सर पर इसे सॉल्व कर सकते हैं. हाँ अगर चलो ठीक है सॉल्व किया आपने तो वेल एंड गुड, सॉल्व कर लेते हैं सर. पहले ब्रांचेस जस्ट अ सेकंड. देखो गाइस एक फैमिली ऑफ लाइंस का कांसेप्ट होता है. अगर एक बार वो आपको समझ में आ गया तो फिर गिवन क्वेश्चन काफी आसानी से हो जाएगा, वो आप अप्लाई कर सकते हो. ठीक है हाँ यश अब आप बोलो. पहले ब्रैकेट ओपन करके वो x और y मल्टीप्लाई करने का. ठीक है एंड देन पूरे इक्वेशन जो ओपन करने के बाद जो मिलेगा उससे a और b कॉमन लेने का. वेरी गुड ठीक है. एंड देन हम लोग को दो ब्रैकेट में x + y + 3 एक इक्वेशन मिलेगा एंड सेकंड इक्वेशन विल बी 2x - 3y - 4. ओके देन उनको सॉल्व करने का देन यू विल गेट x एंड y as -1 and -2. अच्छा ठीक है बट ऐसा क्यों करना है, इसके पीछे का लॉजिक बताओ. वो नहीं मालूम सर, मैंने ऑनलाइन देखा. तो इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना आपको कि वो कंसेप्ट पता होने दो पहले. ओके चलो ठीक है. वो कंसेप्ट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ क्विकली और फिर वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे. दूसरे कंसेप्ट भी यूज कर सकते हो ऐसा कुछ नहीं है, बट फैमिली ऑफ लाइन से आसान जाता है वो. तो होता क्या है गाइज ये चीज समझ लो, मतलब वो उसका उसके पीछे का रीजनिंग प्रूफ सब बाद में बताया जाएगा, अभी सिर्फ मैं कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ उसको अप्लाई हम करेंगे. क्वेश्चन नंबर 24 की बात हो रही है गाइस. तो मान लो एक लाइन है जिसका इक्वेशन है L1 = 0, जहाँ पे मतलब L1 को क्या बोल सकते हो, A1x + B1y + C1 ऐसा बोल सकते हो. यश हाँ सर. हाँ ठीक है ओके. दूसरा लाइन है जिसका इक्वेशन है L2 = 0, मतलब ऐसा बोल सकते हो A2x + B2y + C2 = 0, इस टाइप में सोच सकते हो. ठीक है अब आप इनका जो इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट A आ रहा है, मुझे ये बताना यश पॉइंट ए से कितने लाइंस पास कर सकते हैं. इनफाइनाइट. वेरी गुड. तो पॉइंट ए से इनफाइनाइट लाइंस पास करेंगे. मान लो ये एक लाइन हो गया आपका, ये दूसरा लाइन हो गया, ये तीसरा लाइन हो गया, ऐसे इनफाइनाइट लाइंस हो सकते हैं. तो गाइज ये सभी लाइन का जो इक्वेशन है उसको जनरल फॉर्म में हम ऐसा लिख सकते हैं L1 + λ L2 = 0. जनरल फॉर्म में हम ऐसा लिख सकते हैं. ध्यान में आ रहा है यश ये? यस सर. ओके अब देखो अच्छा जो भी लाइन होगा ये मतलब जैसे जैसे आप लैम्डा वेरी करोगे आपको अलग अलग लाइन मिलेगा. जैसे कि मान लो आपने लैम्डा को 0 ले लिया तो आपको ये L1 लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा जो पॉइंट ए से पास हो रहा है. सर तो लैम्डा वी कैन कंसीडर इट एज m. लैम्डा वी कैन कंसीडर मतलब लैम्डा फिर हम लोग का ऐसा स्लोप मान सकते हैं. लैम्डा स्लोप नहीं है,
लैम्डा एक नहीं क्या कांस्टेंट है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है. अच्छा ओके. उसकी वैल्यू मतलब जैसे जैसे आप उसकी वैल्यू चेंज करोगे ना आपको अलग अलग लाइन मिलते जाएंगे. मान लो आपने लैम्डा ले लिया 1 तो हो सकता है आपको ये वाला लाइन का इक्वेशन मिल जाए. मान लो आपने लैम्डा ले लिया 3/2 तो हो सकता है ये वाले लाइन का इक्वेशन मिल जाए. ओके अच्छा ठीक है समझ में आ रहा है. तो इनफाइनाइट लाइंस है तो लैम्डा बेसिकली कोई भी रियल नंबर आप लो आपको अलग अलग लाइंस वो देते जाएगा. ये ध्यान में आया? यस सर. ठीक है तो अच्छा मुझे ये बताओ मान लो अगर किसी ने ऐसा बोला जस्ट मतलब ऐसा बोल दिया x plus y plus 1 into sorry not into plus lambda times मतलब lambda एक constant है y minus x equal to 0 ऐसा बोल दिया तो इसको हम ऐसा सोच सकते हैं क्या ये line होगा l1 तो हाँ y minus x का equation ऐसा लिख सकते हैं. yes sir. और second line का equation हम ऐसे लिख सकते हैं. yes. अच्छा एक और चीज इसमें है ना ये जो ये इक्वेशन है वो जो भी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है वो लाइन पॉइंट ए से पास करने वाला है. ठीक है और वो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं ये दोनों लाइन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके. यस कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको यश? ये हाँ सर. शुभम आपको क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? ओके गाइस बाकियों को क्लियर हो रहा है रफली ये कॉन्सेप्ट? चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दो सर. सर तो l1 plus lambda l2 is equal to 0 वो वाली लाइन का इक्वेशन है जो a से पास हो रही है ना? करेक्ट वो पॉइंट a से पास हो रही है. ओके ठीक है. ओके अच्छा तो ये कांसेप्ट हम अभी अप्लाई करते हैं. सो हमें क्या बोला है कि a और b दो कांस्टेंट है आर्बिट्री कांस्टेंट है और एक स्ट्रेट लाइन फिर पूछा है कि एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है वो मतलब कहां से पास करेगा पूछा है. तो पहले तो मैं वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख देता हूं. आप मुझे वो इक्वेशन एक बार डिक्टेट कर दो यश. क्या इक्वेशन है? a माइनस 2b ब्रैकेट x a माइनस 2b ब्रैकेट x प्लस a प्लस 3b ब्रैकेट y a प्लस 3b ब्रैकेट y प्लस 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 0 प्लस 3a प्लस 4b इक्वल टू 0. ठीक है. सो गाइस बोला क्या है हमें ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है और हमें बताना है कि ये स्ट्रेट लाइन कौन से पॉइंट से पास करेगा. a और b आर्बिट्री कांस्टेंट है मतलब a अगर a 1 हो सकता है b 2 हो सकता है तब एक लाइन का इक्वेशन मिलेगा. फिर a 5 हो सकता है b 100 हो सकता है अलग लाइन का इक्वेशन मिलेगा. सो आपके ध्यान में आ रहा होगा ऐसे तो इनफाइनाइट लाइंस आप बना सकते हो a और b वेरी करके. क्लियर हुआ यश? यस सर. तो जब इनफाइनाइट लाइंस आ रहे हैं तो माइट बी फैमिली ऑफ लाइंस वाला कांसेप्ट शायद यूज हो सकता है. तो अभी देखते हैं यूज हो सकता है कि नहीं. तो क्या करते हैं इसको एक्सपांड कर देते हैं और फिर ए के टर्म्स एक तरफ करेंगे बी के टर्म्स एक तरफ करेंगे. तो मैं एक्सपांड कर रहा हूँ तो देखो कितना आ जाएगा. चलो ए के टर्म्स पहले लिखता हूँ. तो ए से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ए एक्स आ जाएगा. सॉरी हाँ ए एक्स आ जाएगा और फिर माइनस टू बी से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस टू बी एक्स आ जाएगा. फिर यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए वाई आ जाएगा और फिर थ्री बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस थ्री बी वाई आ जाएगा. फिर यहाँ पे बचा आपका थ्री ए और यहाँ पे बचा आपका फोर बी इक्वल टू जीरो. ये ठीक है? यस ओके. तो ये मल्टीप्लाई कर दिया गाइस हमने. अब यहाँ पे आप देख सकते हो ए कॉमन आ जाएगा. ए को कॉमन ले लिया. सो एक्स प्लस वाई प्लस थ्री प्लस यहाँ से बी कॉमन ले सकते हो तो बी कॉमन आ गया. सर बाहर माइनस आएगा नहीं सर प्लस ही आएगा. प्लस आएगा हाँ. माइनस टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस फोर इक्वल टू जीरो ये आ गया. अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ए से मतलब एज्यूम करो फिलहाल ए जीरो नहीं है तो ए से डिवाइड कर दे रहा हूँ. तो क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस थ्री और अगर मैंने नहीं तो बी से भी डिवाइड कर सकते फर्क नहीं पड़ेगा तब ए बाई बी आ जाएगा. यहाँ पे बी को जीरो नहीं एज्यूम करेंगे. ठीक है. तो एक्स प्लस वाई प्लस थ्री प्लस बी बाय ए बी बाय ए को ऐसे लिख देते ब्रैकेट में प्लस बी बाय ए माइनस टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस फोर इक्वल टू जीरो. अब मुझे ये बताना यश क्या इस फॉर्म में आपको ये इक्वेशन दिख रहा है एल वन प्लस लैम्डा एल टू बोल देता हूँ एल वन प्लस लैम्डा एल टू इक्वल टू जीरो टाइप में इक्वेशन दिख रहा है? यस सर. तो ये इक्वेशन इस टाइप में लिखा है. तो मैं वापस पिछले वाली स्लाइड पे आ रहा हूँ. तो ये बेसिकली जो इक्वेशन है वो बहुत सारे लाइंस को रिप्रेजेंट करता है लेकिन ये जो बहुत सारे लाइंस है वो एक फिक्स पॉइंट से पास करते हैं हमेशा. वो पॉइंट होता है आपका ए जो आप एल वन और एल टू को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके मतलब फाइंड कर सकते हो वो वाला पॉइंट. ये क्लियर? ओके सर. यस सर. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे फर्स्ट लाइन का इक्वेशन क्या आ जाएगा आपका एक्स प्लस वाई प्लस थ्री इक्वल टू जीरो और सेकंड लाइन का इक्वेशन क्या आ जाएगा माइनस टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस थ्री वाई प्लस फोर इक्वल टू जीरो. अब इसको जब आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे और वो जो पॉइंट आएगा
वो पॉइंट से आपका ये लाइन वेरी मतलब पास करेगा, फिर बी और ए की कुछ भी वैल्यू आप रहने दो, माइनस वन कॉमा माइनस टू। अच्छा वो आ रहा है क्या, ठीक है, बट ये कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या गाइस, पहले वो बोल दो। मैं क्या सॉल्व भी करता हूँ, कुछ लोगों साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने में अगर डिफिकल्टी आ रही तो सॉल्व भी कर दूंगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या वो बोलो गाइस। यस सर। ठीक है, ओके गुड। अच्छा अब नहीं क्या क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, तो मैं क्या करता हूँ फर्स्ट इक्वेशन टू को टू से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सो टू एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। सेकेंड इक्वेशन को वैसे की वैसे लिख रहा हूँ, माइनस टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस सॉरी इसको टू से मल्टीप्लाई किया ना सॉरी प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये तो वैसे कैसे लिखा है प्लस फोर इक्वल टू जीरो। अब क्या करो गाइज, ये दोनों इक्वेशन को आप कर दो ऐड, तो जब दोनों इक्वेशन को आप ऐड करोगे तो ये तो कट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका फाइव वाई प्लस टेन इक्वल टू जीरो। यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो वाई बेसिकली कितना आ जाएगा आपका माइनस टू आ जाएगा। ये क्लियर हो रहा है सभी को? यस सर। ओके अब गाइस y की वैल्यू माइनस टू कोई भी इक्वेशन रख दो, मान लो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, तो x माइनस टू प्लस थ्री वो x प्लस वन इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो x इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा। तो बेसिकली माइनस वन कॉमा माइनस टू से आपका ये जो गिवन लाइन है वो हमेशा पास करेगा, फिर आप b और a की कोई भी वैल्यू ले लो, ये पॉइंट से हमेशा आपका लाइन पास करने वाला। थैंक यू यश। गाइस क्लियर हुआ सभी को ये क्वेश्चन? शुभम और बाकी लोग रिप्लाई कर सकते हैं। ओके कूल चलेगा। ओके 28th क्वेश्चन में किसी ने डाउट पूछा था, चेक कर लो एक बार क्वेश्चन नंबर 32 तक, और कोई डाउट है तो क्लियर है। ओके गुड गाइस 28 क्वेश्चन में अगर डाउट है तो यू कैन रेज योर हैंड और हम डिस्कस कर लेंगे, या और भी कोई क्वेश्चन में डाउट है तो। सो चेक अप टू क्वेश्चन नंबर 32। हाँ सिद्धेश अनम्यूट कर लो। हाँ सर 28 क्वेश्चन में डाउट है। गाइस क्वेश्चन नंबर 28 चेक करो, सभी डिस्कस करते हैं। द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, अच्छा पॉइंट गिवन है और परपेंडिकुलर टू, चलो ये भी दे रखा है आपको, बोला है। ओके ठीक है, चलो मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, ए कॉस क्यूब थीटा ए साइन थीटा। ठीक है तो सिद्धेश कोई पर्टिकुलर स्टेप तक आप गए या स्टार्ट मतलब समझ में नहीं आया कैसे स्टार्ट करना है? समझ ही नहीं आया क्वेश्चन। चलेगा ओके कोई दिक्कत नहीं है, म्यूट कर लो आप, देखो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 28 में आपको बोला है कि जो हमारा लाइन है वो एक पॉइंट से पास कर रहा है, वो पॉइंट को फिलहाल मैं कैपिटल ए बोल देता हूँ, उसके कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूँ ए कॉस क्यूब थीटा कॉमा ए साइन क्यूब थीटा। तो ये पॉइंट से हमारा लाइन पास कर रहा है, चलो ठीक है ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज उन्होंने बोला है एक लाइन का इक्वेशन दिया है, वो लाइन का इक्वेशन है x बाय cos थीटा। अभी के लिए लाइन का इक्वेशन में साइन और कॉस के टर्म में लिख रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन में भी मुझे साइन और कॉस ही दिख रहा है, तो x बाय cos थीटा प्लस y बाय साइन थीटा। एक मिनट चेक कर लेता हूँ फिर से, x बाय cos थीटा प्लस y बाय साइन थीटा इक्वल टू a। ओके ओके जस्ट अ सेकंड, एक्स बाय कॉस थीटा क्वेश्चन नंबर 28। हाँ एक्स बाय कॉस थीटा प्लस वाई बाय साइन थीटा इक्वल टू ए, करेक्ट। ओके सो गाइज ये आपको एक लाइन का इक्वेशन दे रखा है, इसको और सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, मतलब साइन कॉस ए बाय, तो कुछ ऐसा आ जाएगा आपका इक्वेशन एक्स साइन थीटा। साइन कॉस के फॉर्म में क्यों कन्वर्ट किया आपको मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि ऑप्शन अगर आप चेक करोगे साइन कॉस के टर्म में ही दे रखा है और गिवन पॉइंट भी साइन कॉस के टर्म में, तो आसान होगा। तो x sin theta plus y cos theta वो अपॉन sin theta cos आएगा, उसको उधर भेज दे रहा हूँ, तो कितना आ जाएगा a sin theta cos theta, ये आ जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ क्या सिद्धेश, ये बता दो। चैट में रिप्लाई कर दो, जो गिवन लाइन को हमने लिखा है। ओके ठीक है, अब गाइस क्या बोला है, जो हमारा लाइन है वो गिवन लाइन को परपेंडिकुलर है, अगर हमारा लाइन गिवन लाइन को परपेंडिकुलर है तो उसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, कॉस इधर लिख देता हूँ, सो एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा इक्वल टू सम कांस्टेंट लैम्डा। ये क्लियर है सिद्धेश? तो हमारे लाइन का इक्वेशन आ गया ये, अब हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करना है।
सो हमें क्या बोला है, हमारा वाला जो लाइन है ये पॉइंट से पास कर रहा है, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं इसमें रखूं तो सेटिस्फाई करना चाहिए। तो गाइस कोऑर्डिनेट्स रख दो इसमें, तो एक्स की जगह रख दिया आपने ए कॉस क्यूब थीटा। अब ए कॉस क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा तो कितना आ जाएगा, ए कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस ए साइन क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा, तो आ जाएगा ए साइन टू द पावर 4 थीटा इक्वल टू लैम्डा। सिंप्लीफाई कर लेते थोड़ा बहुत, तो ए को कॉमन ले लेते, ब्रैकेट में क्या बचेगा, कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस साइन टू द पावर 4 थीटा। और सिंप्लीफाई करते हैं तो गाइज इसको कॉस स्क्वायर का स्क्वायर और इसको साइन स्क्वायर का स्क्वायर सोच सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। सो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, अब ये तो पता होगा सभी को कि साइन स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये तो वन होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा, अच्छा यहाँ पे थीटा नहीं लिखा मैंने, ओके कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बेसिकली कॉस टू थीटा होता है, अगर ये सभी को पता है तो लैम्डा की वैल्यू जो है हमारी, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी हमारी ए कॉस टू थीटा, ये हमारी लैम्डा की वैल्यू आ गई। तो ये गिवन लाइन का इक्वेशन था हमारे, उसमें लैम्डा की वैल्यू भी हमें पता चल गई, पुट कर दो। सो हमारे लाइन का इक्वेशन क्या आ गया, एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा इक्वल टू ए कॉस टू थीटा, ये आपका आंसर। क्लियर है सिद्धेश? बाकियों को क्लियर हुआ गाइस? क्वेश्चन नंबर 28। ओके गुड गाइस, एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 32? क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 32 तक आपको होमवर्क दिया गया है गाइस, एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 32? नो डाउट्स, ओके वेल एंड गुड, आई होप सो ये सेशन सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू गाइस, लेट्स एंड आवर सेशन हियर, बाय एवरीवन।